बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एक दिन के जयपुर दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के साथ कांग्रेस को भी जमकर घेरा था। वहीं इस दौरान उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी सरकार की पीठ थपथपाई थी और इस पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस पर तीखे बाण छोड़े थे, जिस पर पलटवार करते हुए अब कांग्रेस ने कहा कि सैनिकों की शहादत पर राजनीतिक रोटी सेकना बीजेपी का डीएनए है। साल 2016 में 28 और 29 सितंबर की दरमियानी रात भारतीय जवानों ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। हमारे सैनिकों ने पाकिस्तानी सीमा में दाखिल होकर कई आतंकियों का खात्मा किया था। भारतीय सेना के इस ऑपरेशन को मोदी सरकार अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, जिसे पीएम मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष तक हर मंच से भुनाने की कोशिश करते रहते हैं। जयपुर में भी अमित शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक बार फिर खुद की सरकार का गुणगान किया और इस ऑपरेशन का सबूत मांगने वाली कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। शाह ने कहा कि उरी में आतंकी हमले के बाद देश में आक्रोश था, तब लोग सोचते थे कि पूर्व की सरकारों की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री का बयान आएगा, लेकिन इस बार 10 दिन के अंदर पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर बदला लिया गया। शाह ने कहा कि इसके बाद से ही भारत का नाम अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के साथ जुड़ गया है। इस दौरान शाह ने राहुल गांधी पर वार करते हुए कहा कि राहुल गांधी मोदी जी से सवाल करते हैं कि आप सेना के खून की दलाली करते हो। लगता है कि राहुल गांधी के पास शब्द नहीं है कि वो दुश्मन देश में घुसकर बदला लेने वाले वीर जवानों की हौसला अफजाई कर सकें। अमित शाह के इस वार पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा, सैनिकों की शहादत पर राजनीतिक रोटी सेकना बीजेपी का डीएनए है। क्या अमित शाह जानते हैं कि मोदी सरकार की ढुलमुल नीतियों के चलते पिछले 51 महीनों में जम्मू कश्मीर में 410 जवान और नक्सल हमलों में 2015 के बाद 237 जवान शहीद हुए हैं। आपका तो एक ही नारा है, कुर्बानी सैनिक की, महिमा मंडन बीजेपी का। अब कांग्रेस ने तो बीजेपी पर करारा वार कर दिया है, लेकिन बीजेपी इसका क्या जवाब देती है ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।